हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। आपके लिए लाइव हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो न्यू मून तक, 17 जुलाई तक। कार्ड्स निकाल लूँ। द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, Knight of Pentacles, Six of Wands, The Magician, Nine of Pentacles, King of Cups, Two of Swords, The Fool, double energy आई है उनकी। Three of Swords, Nine of Cups, Strength, Ten of Swords, Page of Wands, Knight of Wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, Knight of Swords, Three of Cups, Ten of Cups, Guys, यहाँ पे वो next person आप को लेके confused था, ओके, बट उन्होंने अब आपको पीछे छोड़ दिया है और आगे निकल रहे हैं। आपके बारे में यहाँ पे नहीं सोचते दिख रहे हैं। पहले कार्ड में द फूल का कार्ड आया है, उन्होंने न्यू लाइफ न्यू जर्नी उनकी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बट आप जो है आप भी टू ऑफ वॉन्ड्स का है, आप भी सोच रहे हो, पर आप यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स को यानी उनको याद करते हुए, उनके दर्द को याद करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है, आप उनको याद कर रहे हो। वो थे कंफ्यूजन में थे, कभी कभी आपके बारे में सोचते थे, पर उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि उनकी न्यू जर्नी न्यू स्टार्ट हो जाए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है कि आप भी आपके न्यू जर्नी के लिए स्टेबल होना चाहते हो, आगे चल के रिलैक्स होना चाहते हो, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। और स्ट्रेंथ, वो ना जो भी आपके दोनों में जो भी हुआ होगा, कन्फ्लिक्ट हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, तो वो तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और ब्राइट फ्यूचर के लिए, ब्राइट न्यू जर्नी के लिए वो खुद को पूरी तरह यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए उनके थॉट्स नजर आ रहे हैं। आप चाहते हो उनके तरफ से कुछ मैसेज आए, क्रिएटिविटी हो, क्योंकि आप उनको ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप ना थोड़ा सा स्टक हो चुके हो। आप कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं दिख रहे हो, ठीक है, कुछ करना तो है पर आपके थॉट्स यहाँ पे रुके रुके से हुए हो रहे, क्योंकि आप भी कभी उनके बारे में सोचते हो, उनका कुछ आ जाए, मैसेज आ जाए, वो कभी मिल जाए, ऐसे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट वो पर्सन बहुत दूर चला गया आपके,
आप बहुत लेट दिख रहे हो यहाँ पे, आप उनके बारे में सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। आप उनकी मेमोरीज याद रख रहे हो, कुछ कर रहे हो और बार बार वही सोच रहे हो। ठीक है, आप उनको सोच रहे हो बट वो नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर में भी वो आपको नहीं सोच रहे हैं, वो बस पैसा कमाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक दिस एनर्जी। ठीक है, आप आपकी थॉट्स की एनर्जी बहुत उधर पुश कर रहे हो उनके तरफ कि वो आ जाए, मैं उनको जाके मिलूं। आप आपकी सोच आ रही है कि आप उनको जाके मिले। ठीक है, आप उनके जाके मिले, उनसे बात करें, ये आपकी एनर्जी है। उनकी एनर्जी नहीं है, उनकी एनर्जी है आप गए तो भी वो कंफ्यूज रहेंगे, वो फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे आपके बारे में। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइन यही आ रही है कि आप आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मन शांत करिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और आप जो चाहते हैं उसके लिए आप अपना अपने रास्ते खुद बनाइए। यहाँ पे आप खुद अपना दरवाजा ओपन कीजिए। ठीक है, अपने जीवन का वो शायद यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो आएंगे, मीन्स आएंगे तो भी अब वो वेट करेंगे, यानी टाइम लेंगे, क्योंकि वो पूरा वो देखेंगे कौन बेहतर है उनके लाइफ में। शायद कोई पर्सन होगा तो वो आपको देखेंगे, उनको देखेंगे, वो टैली करते बैठेंगे, पर वो फाइनल डिसीजन जल्दी नहीं देंगे। यहाँ पे शायद नहीं नहीं देंगे, वो नहीं आएंगे, आप कितना भी वेट करो उनका, नहीं आएंगे वो आपके पास में। नो 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 नो, एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आ रहा है। नो, वो नहीं आएंगे आपके पास में। सॉरी गाइस, आप जिनको चाह रहे हैं, जिनका वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप बार बार आपके पास की एनर्जी को आप रियलाइज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आते दिख रहे हैं आपके तरफ। नहीं, आप आपके इमोशंस बहुत हाई कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ गाइज, आपको गॉड कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, कुछ न्यू लाइफ के लिए, कुछ न्यू मैसेजेस आपको दे रहे हैं, तो वो रिसीव कीजिए, ना कि नर्वस बैठिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए, शायद आपको आपका दिल आप एक तो आप यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग ले सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, इसलिए आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो। वो पर्सन तो निकल भी गया, आप यहाँ पे हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है। प्लीज हार्ट चक्रा की रेकी ऊर्जा या हीलिंग कुछ भी है या मेडिटेशन कीजिए प्लीज। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि मैंने कहा आपको ना द मैजिशियन का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। द मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि आपको ना पास्ट भूलना है। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, जेमिनाई पीपल, आपको पास्ट भूलना है, आपको आपको रियलिटी के तरफ, आपके लाइफ के तरफ आपको यहाँ पे देखना है, और आपको गॉड कुछ क्रिएटिविटी, कुछ मैसेज आपको दे रहे हैं, वो आपको रिसीव करना है। ठीक है, कुछ इंट्यूशंस आते हैं, वो रिसीव करना है, और आपके खुद के न्यू लाइफ के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक सोलमेट हो सकता है, ना कि आपका ट्रू लव है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये एक रहता है, एक कार्मिक साइकिल रहती है, शायद वो भी आपके लिए हो सकता है। तो आपके न्यू लाइफ, न्यू जर्नी के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइज, आई होप जिनसे रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।